अरे वाह, यह क्या हो गया? हमने बटन दबाया और हमारे रंग चेंज हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, चलो एक रंग पर टिके रहते हैं। सुपर। वाह, यहाँ पीली चीजें हैं। क्लोई का हनीकॉम्ब स्वादिष्ट है। क्वेंटिन कम लकी रहा, उसे नींबू मिला है, लेकिन माइली की किस्मत उसके साथ है, उसे च्युइंगम कैंडी मिले है। ये कितनी लचीली है। वाह, ये बहुत मीठा है। देखो मैं कितना खींच सकती हूँ और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में भी डाल सकती हूँ। ये बहुत मीठी है। मुझे बहुत पसंद आया। अब क्वेंटिन की बारी है। ओ नहीं, मेरे नींबू बहुत खट्टे हैं। मुझे ये पता लगाना होगा कि इनके साथ क्या करना है। ओह, मैं उन्हें ऐसे नहीं खा सकता, वे बहुत खट्टे हैं। बहुत खट्टा। जैसा कि लोग कहते हैं, अगर जीवन तुम्हें नींबू देता है तो तुम नींबू का शरबत बनाओ। मैं अपनी मम्मी की रेसिपी का उपयोग करके अपने लिए होममेड लेमनेड बनाऊंगा। उसके लिए मुझे नींबू का रस चाहिए, निचोड़े और फिर इसमें थोड़ी चीनी मिलाएंगे। हाँ, ये गया चीनी और थोड़ा सोडा। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे, स्ट्रॉ डालें और इसे नींबू से सजाएं। गर्मी में ये नींबू पानी बहुत ताजगी देता है। चलो ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। माँ को मुझ पर गर्व होगा। उफ, सॉरी। क्लोई, अब तुम। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक हनीकॉम्ब है। मैंने शहद खाया है लेकिन कभी हनीकॉम्ब ट्राई नहीं किया है। ये बहुत नरम है और शहद में भींगे हुए हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं हनी जेली बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा हनीकॉम्ब है। मुझे एक बड़ी बोतल चाहिए। अब मैं इसमें शहद निचोड़ती हूँ और यह हो गया ऐसे। बोतल शहद से भरी हुई है। मैं थोड़ा सोडा मिलाना चाहती हूँ। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। अगर आपको फैंटा पसंद है तो इसे लाइक करें। बस इसे जमाना बाकी है और यह तैयार है। अब जेली को निचोड़े। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, तुम ऐसा कर सकते हो। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने लाल रंग के ट्रीट्स हैं। आइए देखें किसे क्या मिला है। क्लोई के पास आइसक्रीम की बकेट है। क्वेंटिन के पास कार्मेलाइज्ड स्ट्रॉबेरी है और माइली के पास स्ट्रॉबेरी सिरप और केक है। हम क्वेंटिन से शुरुआत करेंगे। चलो जल्दी करो। वाह, मुझे खुशी होगी। चलो इसे चखते हैं। बढ़िया। ये मीठे मीठे कारमेल में स्ट्रॉबेरी है। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। यम यम यम। माली, मेरे ट्रीट को मत देखो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा केक है। बिल्कुल, तुम सही हो, मुझे ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले चलो केक पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं। लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल, मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट गोल आकार है। इसे केक पर रखें और उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालें, बहुत सारा। अब सिरप के ऊपर लाल स्प्रिंकल डालें और फिर इसे हटा दें। वाह, देखो यह कितना सुंदर दिख रहा है। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, ये सच में एक स्वादिष्ट केक है। स्ट्रॉबेरी सिरप मस्त है। यम यम। क्लोई, अब तुम। हाँ बिल्कुल, मैं भूल गई थी, तुम्हारे स्वादिष्ट केक देख रही थी। चलो ट्राई करते हैं। एक चम्मच लेते हैं, इसे ऊपर उठाते हैं। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम की पूरी बकेट नहीं खाई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सिर्फ मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट है लेकिन बहुत ठंडा। लेकिन मैं फिर भी इसे खत्म कर दूंगी, बस थोड़ा सा बचा है। ओह, अरे ये क्या, ये तो जम गई है। हमें उसे बचाना होगा। ये हेयर ड्रायर, ये मदद करेगी। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहाँ थी? हाँ, ओह कितना स्वादिष्ट और ठंडा। ओह, वह फिर से जम गई है। वाह, अब सब कुछ नीला है। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। क्लोई के पास गमी बेयर है, बहुत बड़ा है, और क्वेंटिन के पास मसालेदार टैकी चिप्स है, और माइली के पास नीले नूडल्स की एक पूरी बाल्टी है। हम किसके साथ शुरू करेंगे? चलो माइली से शुरू करते हैं। अब मैं नूडल्स को कांटे पे घुमाऊंगी। वाह, मैंने कभी नीले नूडल्स नहीं खाए हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है।
बढ़िया। हाँ मुझे और चाहिए। वाह यम, बहुत बढ़िया। मैंने पूरा बकेट खा लिया। मेरा पेट बहुत भर गया है। अरे वाह, मेरी जीभ नीली हो गई। बढ़िया, सच कह रही हो। अब किंचन की बारी है। ओ, मैं बहुत खुश हूँ। वाह कितना बड़ा, मैंने कभी ट्यूब चिप्स नहीं आजमाया है। मैं एक साथ दो खाऊंगा। बहुत अच्छा। रुको, मेरा मुंह बहुत जल रहा है। ओ लड़कियों, तुम्हें छुप जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी जला दूंगा। मैं आपको रोक नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, मेरा गमी बेयर। क्विंचन तुमने क्या किया, ये पिघल गया। अब ये गमी घू है, गमी बेयर नहीं। बढ़िया कंसिस्टेंसी है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। यह गमी है, मैं इसे छोटे भालू के साँचों में डालूंगी और बहुत सारे छोटे गमी बेयर बनाऊंगी। ये बहुत बढ़िया बनेगा। चलो सब कुछ जमा देते हैं ऐसे, और अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। वाओ कितना सुंदर। चलो इसका स्वाद चखते हैं। वाओ स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। वाओ वाओ, क्लोई बहुत खुश नजर आ रही है। इसका मतलब है कि सब कुछ बढ़िया है। क्लोई, क्या तुम अपने दोस्तों को दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो इसे खाते हैं। आधा आधा हम लोग ले लेते हैं। यह बहुत अच्छा, स्वादिष्ट। हाई फाइव। ओह, इस बार ट्रीट इतने स्वादिष्ट नहीं है। ओ माइली के पास खट्टी कैंडी है, क्विंटन के पास असली कांटेदार कैक्टस है। तुम इसे कैसे खाओगे? और क्लोई के पास चिप्स है, लेकिन उनका स्वाद बदबूदार ब्लू चीज जैसा है। कितना खराब। कौन शुरू करेगा? सभी ने तय किया कि क्लोई पहले आएगी। वो इससे खुश नहीं है, लेकिन उसे यह करना होगा। ओह छी, यह बदबूदार है, गंदे मोजू से भी बदतर। मुझे अपनी नाक पर क्लॉथ भी लगा लेना होगा। अब ठीक है, अब चिप्स को खाती हूँ। यह तो स्वादिष्ट है, मैं हैरान हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद आया है। मैं फिर से ट्राई करूँगी। हाँ अच्छा है। ओह, क्लोई की सांस से बदबू आ रही है। इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। बस थोड़ी देर में माइली और मेरा दम घुट जाएगा। ओह लगता है अब सब ठीक है। ओ नहीं, मेरे पास एक कैक्टस है। यह इतना कटीला है कि मुझे अपनी जीभ से कांटों को निकालने में पूरा जीवन लग जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैक्टस तैयार हो जाओ, मास्टर क्विंटन तुम्हें एक बढ़िया हेयर कट देंगे। चलो काटना शुरू करते हैं। और यह आखिरी काटा, और बस तैयार है। मुझे उम्मीद है कि कैक्टस को अपना नया हेयर कट पसंद आएगा। वाह क्विंटन, अब समय आ गया है कि तुम कैक्टस ट्राई करो। ओह क्या मुसीबत है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। आह कितना घिनौना है, यह कैक्टस बहुत बेस्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घर के पास के घास और मिट्टी खा ली हो। मैं अब और नहीं करूंगा। माइली तुम क्यों हंस रही हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे पास अभी भी खट्टी कैंडी का पूरा पैकेज है। ओह नहीं, ठीक है चलो ट्राई करती हूँ। ये कैंडी स्वादिष्ट होनी चाहिए, है ना? हालांकि मैं किससे मजाक कर रही हूँ, ये दुनिया की सबसे खट्टी कैंडीज है। कितनी खट्टी। दोस्तों मेरा पूरा चेहरा ऐंठने लगा है, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आया, माइली कहाँ गई? ओ माइली तुम वापस आ गई। तुमने मुझे डरा दिया था। वाओ तुम उन गुलाबी कपड़ों में बहुत प्यारे लग रहे हो। चलो देखते हैं माइली के पास क्या है। वाओ डोनट्स की पूरी प्लेट। क्विंटन के पास क्या है? वाओ स्ट्रॉबेरी जेली, ये बढ़िया है। और क्लोई के पास? हाँ बाबा बबल गम, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट च्युइंग गम। कौन पहले करेगा? मैं पहले आना चाहती हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं खुशी खुशी सारे डोनट खा जाऊंगी, खास तौर पर जो वे इतने सुंदर और गुलाबी हो। मैंने सारे डोनट्स अपनी उंगलियों पर रखे और अब हम ट्राई करते हैं। हर डोनट अपने तरीके से स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा क्विंटन, अब तुम करो। ठीक है, इसे चम्मच से खाना चाहिए। ये कितने मजेदार तरीके से उछलता है। ओ, ओ मेरा चम्मच, ये कितना ऊंचा उड़ गया। मैंने इसे पकड़ लिया। वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो अब मैं एक छोटा टुकड़ा खाता हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद है। मुझे चम्मच की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खाऊंगा। अद्भुत स्वाद। क्लोई अब तो। हाँ वाह, मैं
कितने देर से इसे चबाना चाह रही थी। च्युइंगम सबसे बढ़िया है, मैं एक साथ सब खाना चाहती हूँ। मेरा मुंह च्युइंगम से भरा हुआ है। इसे चबाएंगे और आप बबल बनाएंगे। वाह, कितना बड़ा बबल है। मेरे चेहरे पर गम चिपक गया है। दोस्तों मेरी मदद करो, इसे हटाओ, इसके बारे में कुछ करो। आशा है आपको ये चुनौती पसंद आई होगी दोस्तों। फिर वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।